नमस्कार। दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है सीबीआई ने। सीबीआई ने आज ऑफिशियली अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें मनीष सोदिया के अगेंस्ट डिटेल्ड उन्होंने दिया है जांच के दौरान जो उनको मिला था, और मनीष सिसोदिया को अक्यूज्ड, नामजद अक्यूज्ड की तरह चार्जशीट फाइल करी है। और इसकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए इससे मुसीबतें कहीं बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप याद कीजिए कुछ महीने पहले तक ये कहा जा रहा था कि क्लीन चिट दे दी गई है मनीष सिसोदिया को, मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट कुछ मिला ही नहीं है। आज चार्जशीट में आया है क्या क्या मिला है, साथ में एक नया सेक्शन ऐड कर दिया है लॉ का, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और जिसका परिणाम काफी आगे तक होगा। दूसरी बात इसके अंदर, जब वो स्टेटमेंट्स आ रही थी उसके बाद अरेस्ट हुआ, अरेस्ट के अंदर बेल रिजेक्ट हुई सीबीआई कोर्ट से, कल ईडी की आ रही है, और जो भी ईडी कोर्ट में जजमेंट आएंगी वो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, क्योंकि बहुत सारी फास्ट फास्ट जजमेंट्स होती हैं, तो मैं स्टोरीज में डालता रहता हूं, आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज को अगर आपको ब्रीफ में जल्दी में चीजें समझनी है, नहीं तो वीडियो तो हम करते ही रहते हैं। तो पहली बात, जब कोई एफआईआर पे जांच होती है तो जांच एजेंसियां दो चीजें कर सकती है। पहली चीज, वो जांच करने के बाद बोलती है हमें कुछ मिला नहीं, हमें कुछ सबूत नहीं मिला, तो वो अपनी क्लोजर रिपोर्ट डाल देती है कि हमें कुछ इसके अगेंस्ट मिला नहीं, व्यक्ति के अगेंस्ट। छह लोगों पे इन्वेस्टिगेट की, एक के अगेंस्ट नहीं मिला, दो के अगेंस्ट नहीं मिला, या फिर वो चार्जशीट फाइल कर सकती है जिसको आप बोल देते हैं, तो वो चार्जशीट फाइल कर दी, तो क्लोजर का तो टॉपिक ही खत्म, क्लीन चिट का तो टॉपिक ही खत्म। अब तो वो बोल रहे हैं ट्रायल चलिए, क्योंकि हम चाहते हैं कन्विक्ट हो, हमें एविडेंस मिल चुका है। दूसरी बात, इसमें किस किस के ऊपर हुई, चार लोगों पे हुई है ये जो आई है आज, फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दूसरे अमनदीप ढाल जो ब्रिंडिकोज एक कंपनी के मालिक थे, तीसरा बुटची बाबू जो कहा जा रहा है ऑडिटर हैं के कविता के, जो तेलंगाना से हैं, तेलंगाना की बड़ी नेता हैं, चीफ मिनिस्टर की डॉटर हैं, चौथा अर्जुन पांडे। अब इनमें से बुच्ची बाबू को बेल मिल चुकी थी, बाकी ये दो हैं जो अरेस्टेड हैं, अमनदीप ढाल और हमारे दिल्ली के एक्स डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जैसा होता है लिस्ट ऑफ विटनेसेस, डॉक्यूमेंट्स आई हैं, जो नॉर्मल सेक्शंस थे पहले से ही चल रहे थे वो एफआईआर के अंदर थे, 120B, 420 और करप्शन जो एंटी करप्शन के हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर है। पर अब दो तीन महत्वपूर्ण बातें आप सुन लीजिए फास्ट फास्ट, जिससे सरदर्दी मैंने कहा बढ़ेगी। पहला, कि जो सारा डिजिटल एविडेंस है, जो सारे डिवाइसेस हैं, वो सीएफएसएल के पास पड़े हैं और उनकी अभी रिपोर्ट पेंडिंग है, तो वो रिपोर्ट आएगी तो उस रिपोर्ट में भी बहुत कुछ निकलेगा, तो वो अभी जांच एजेंसी बोल रही है हमें समय दीजिए, हम समय के बाद डाल देंगे। दूसरी, उन्होंने कोर्ट में एक कंसिस्टेंट व्यू लिया था बेल हेयरिंग के दौरान। पहला, कि मनीष सिसोदिया ने अपना फोन उसी दिन चेंज किया जिस दिन एलजी को गया था, जिस दिन सॉरी एलजी ने सीबीआई को केस दिया था। दूसरी बात, उन्होंने कंसिस्टेंटली मेंटेन की है मल्टीपल सिम कार्ड्स हैं। तीसरी बात, उन्होंने मेंटेन की थी कि आर्गुमेंट्स में डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है। तो आज उन्होंने इन तीनों चीजों को तो मैं बताता ही हूं, पर उन्होंने पहले कहा कि सिसोदिया का एक इंपॉर्टेंट वाइटल रोल है पूरी फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी में और इम्प्लीमेंटेशन में, तो फॉर्मुलेशन भी उसके थ्रू हुई है और इम्प्लीमेंटेशन भी उसके थ्रू हुई है, ये उनका कहना है। दूसरा, जो पैसे को लेके मेजर एलिगेशन है, वो कह रहे हैं 20 से 30 करोड़ रूट हुआ है विजय नायर के थ्रू। विजय नायर का कल मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट से झटका पड़ा, और उस पर मैं आपको एक और वीडियो भी बनाऊंगा कि विजय नायर की बेल कैसे सबसे बड़ा ट्रबलसम पॉइंट होगा अरविंद केजरीवाल के लिए। तीसरी बात, एक्साइज पॉलिसी के जो प्रोविजंस ट्वीक और मैनिपुलेट हुए थे, वो सारे जांच एजेंसी के मुताबिक इनकी ही सुपरविजन इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हुए थे, और उन्होंने एक नया सेक्शन ऐड कर दिया डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस को लेके, जिसका बेल में भी रोल रहेगा। जांच एजेंसी बार बार कह रही थी ड्यूरिंग द बेल हेयरिंग कि एविडेंस डिस्ट्रॉय किया गया इस केस में, एक मिसिंग फाइल का वो हवाला देते हैं जिसमें उनके मुताबिक बहुत चीजें हैं जो एकदम गायब कर दी गई हैं, वो इसका भी हवाला दे दिया है किस तरह ईमेल्स आई थी और वो ईमेल्स इंटर्न्स द्वारा भिजवाई गई थी, क्योंकि वो फेक एक नैरेटिव क्रिएट करना चाहती थी पॉलिसी के फेवर में।
उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ फोन्स भी डिस्ट्रॉय किए गए हैं, उन्होंने ये भी कहा है बहुत सारे फोन बदले गए हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास अभी सारे फोन्स नहीं है। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी कहती रहती है सारे फोन्स इनके पास है, हमने कुछ नहीं किया। पर जब चार्जशीट में नाम आ जाता है तो ये आपको कानूनन पता होना चाहिए, फर्स्ट चार्जशीट में ना भी आया हो, जब जांच आगे बढ़ती है तो नए नाम निकलते हैं, नए नाम निकलते हैं तो जांच एजेंसी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में डाल सकती थी और डाल दिया गया है। और ये केस अब क्रिएशन ऑफ पॉलिसी, किकबैक्स, कार्टलाइजेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, इन सब पे घूमेगा और सीबीआई ने अपना पूरा केस प्रस्तुत कर दिया है। जो भी आगे अपडेट होगा वो आपको आके जरूर बताऊंगा। कल ही ईडी का भी ऑर्डर आना है मनीष सिसोदिया की बेल पे। भारत माता की